Good morning. Okay, everybody has got your books. Now I'm going to randomly call somebody and you have to put on your video so that I can have a look at you. Okay, now let me see some of your videos. Who's there on the video? Kaise mujhe dekhega? Aditya, are you there on your video? Participants, 1 minute. How do you see the video? Just a minute. Are you able to see each other's video? Pankaj, Sakshi, are you able to see each other's video? Mujhe kyun dikh nahi raha? What should I do to see your videos? Mere ko sirf chat dikh raha hai. Participants.
Anybody knows how should I see my video? How to see your videos? Okay, I'll figure it out. But I hope everybody has got your notebooks and pen. बीच बीच में हमको कुछ कुछ लिखना पड़ेगा ठीक है. अच्छा, एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट ऑफ सम क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस आपको नोट्स में से ही ओपन बुक करके पढ़ना है. ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एंड राइट. ओके, द पर्पस ऑफ द क्वेश्चंस इज के आपको पढ़ने का दिल करे. यू अनलेस यू विल रीड द टेक्स्ट आई मीन द नोट्स दैट आई गिव यू, क्वेश्चंस आंसर करना मुश्किल हो जाएगा. सो यू कैन ओपन एंड सी दैट. नाउ व्हेन यू डू दैट, पहले बिफोर इवन ट्राइंग टू ओपन अप द चैप्टर, वेट आई विल टेल यू अबाउट द चैप्टर. सो बिफोर ओपनिंग अप ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मतलब जो आपको सेल्फ स्टडी करते हो उसके पहले एक बार आपने क्वेश्चंस पढ़ लेने का. सो आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देने का है ना. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यू नो कि ये टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. ओके, एंड देन यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर तो आपको जो आप क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसके आंसर्स बीच बीच में मिलेंगे. तो व्हेन एवर यू गेट एन आंसर तो उसको मार्क कर देने का. देन आज का टॉपिक पूरा पढ़ लिया आफ्टर रीडिंग द होल टॉपिक ऑफ टुडे, देन यू सिट एंड राइट दोज क्वेश्चंस है ना. ऑन एन एवरेज मैं 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं दूंगा. सो लिखने में तो 10-15 मिनट ही लगेगा, बट वॉट एवर टाइम जो आपको लगेगा दैट विल बी फॉर द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल सिलेबस. आवर फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी एनिमल किंगडम. ओके, एंड एनिमल किंगडम में तीन हिस्से है. देर आर थ्री पार्ट्स इन एनिमल किंगडम. वन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स हाउ वी क्लासिफाई डिफरेंट एनिमल्स इन टू फाइला. ओके, सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉप चैप्टर इज नॉन कॉर्डेट एनिमल्स. ओके, सो ऑल योर स्मॉल एंड बिग एनिमल्स विच जनरली इवॉल्व इन द सी. ओके, सो मोस्ट ऑफ दिस अर्ली प्रिमेटिव एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट एनिमल्स. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द कॉर्डेट एनिमल्स. कॉर्डेट्स में आपके वर्टिब्रेट्स सब आते हैं. सो वी विल डिवाइड द चैप्टर इन टू थ्री पार्ट्स. ओके, नाउ फ्रॉम दिस वीक आपको वीकली एग्जाम भी होगा. मे बी आपका ऑल सब्जेक्ट का जो कॉमन टेस्ट होता है मे बी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक 6th से. लेकिन मेरी तरफ से जुअलॉजी का एवरी वीक टेस्ट चालू हो जाएगा. एंड जनरली इन अ टेस्ट देयर विल बी 45 क्वेश्चंस. ओके, और वो एमसीक्यू का मार्किंग वगैरह आपको अभी तक किसी ना किसी ने बता दिया होगा. सो दैट इज नॉट अ बिग डील. ओके, बट आज मैं जो क्वेश्चंस दूंगा दे विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आपको कोई थियरी बियरी नहीं लिखना है. लेकिन एट सम प्लेसेस आई विल टेल यू टू ड्रॉ द फिगर्स. नाउ व्हेन एवर यू डू द चैप्टर, मतलब आज के आप अगर क्वेश्चंस लिखते हो तो आपको हैंड से लिखना है ऑन योर बुक. ऑन दैट बुक यू हैव टू गेट योर पेरेंट्स सिग्नेचर एंड पोस्ट इट बैक टू मी, है ना. तो आपको ग्रुप पे पोस्ट करना है आपका असाइनमेंट. देर आर पीपल हु विल ट्राई टू कॉपी ईच अदर्स असाइनमेंट. तो बिलीव मी कि एक दूसरे का कॉपी करने से अच्छा पड़ेगा कि आप नोट्स में से कॉपी करके करो. वो बहाने एटलीस्ट आपका नोट्स पढ़ के एक बार हो जाएगा. सो प्लीज डोंट कॉपी फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि अगर कॉपी करोगे और मुझे पता चला तो आई विल बी रिपोर्टिंग इट टू द मैनेजमेंट एंड देन मैनेजमेंट विल टेल मी टू रिपोर्ट इट टू द पेरेंट्स, है ना. तो जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चंस आप नोट मेरे नोट्स में से देख के आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, तो जनरली ना अगर कोई डिफिकल्ट है क्वेश्चन नहीं आता है तो ग्रुप पे मुझे पूछो, आई विल आंसर यू, डजेंट मैटर. बट डोंट गेट इन टू द हैबिट ऑफ कॉपिंग, बिकॉज कॉपी करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, है ना. तो डिफिकल्ट है क्वेश्चन तो यू आस्क मी. नाउ देयर वाज वन पर्सन हु हैड अ क्वेश्चन लास्ट टाइम, वन गर्ल, कि एमटीजी है या उसके बारे में कुछ तो भी पूछा था. किसका क्वेश्चन था? एनीवे आई विल टेल यू हाउ टू रीड. नाउ आपको मटेरियल क्या पढ़ना है, अभी पूरा 11th स्टैंडर्ड में आपको कौन से बुक्स या क्या पढ़ना है. तो एक तो हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का मैं आपको नोट्स दूंगा. ओके, नाउ दैट नोट्स विल इंक्लूड एनसीईआरटी का एवरी वर्ड उसमें आ जाएगा, प्लस थ्री इंस्टीट्यूट्स, चैतन्य, श्री चैतन्य जहाँ मैं अभी भी पढ़ाता हूँ पूना में, आकाश एंड एलन्स, उसके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे नोट्स में आ जाएंगे. ऊपर से मैं विकिपीडिया में सब इंटरनेट से भी लेता हूँ, है ना. उसका मतलब नहीं कि माई नोट्स आर वेरी बिग,
बट आई सी टू इट कि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करूं. नाउ व्हेन यू स्टडी बायोलॉजी योर पर्पस इज टू स्कोर इन बायोलॉजी. आपको पीएचडी नहीं करना है बायोलॉजी में. मतलब कुछ बच्चों लोग को आदत होता है इधर से उधर से कुछ इधर बाहर का इंफॉर्मेशन या नॉलेज ला के बढ़ाई मारने का. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. योर जॉब इज टू स्टिक टू योर सिलेबस. द ओनली प्रॉब्लम इज कि एनसीईआरटी इज नॉट अ वेरी गुड टेक्स्ट. ओके, वो पढ़ने के लिए स्टोरी बुक के जैसा अच्छा है लेकिन, और नीट में वही सिलेबस है लेकिन एक चैप्टर में आपको सब पॉइंट्स ही मिलेंगे. आपको चार चैप्टर में मिलके सब पॉइंट्स मिलेंगे. सो व्हाट वी डू इन अवर नोट्स, हम आपका जो चैप्टर नहीं हुआ है उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है तो आपके नोट्स में हम डाल देंगे, है ना. तो समटाइम्स यू मे फील कि हम बाहर का सिखा रहे, बट वी विल नॉट बी टीचिंग यू फ्रॉम आउटसाइड एनसीईआरटी, बट वी मे टेक सम मैटर फ्रॉम अदर चैप्टर्स वाइल टीचिंग यू. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. नाउ व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस, कौन से कैसे सॉल्व करने हैं. एक तो आपने जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, कभी कभी मैच द कॉलम दूंगा असाइनमेंट में, वो आप करोगे तो आपका वो दिन का टॉपिक प्रैक्टिकली हो जाएगा. उस तरह के मैं क्वेश्चंस पूछूंगा. अब वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वीकेंड का एग्जाम का जो एमसीक्यूज है उसमें 80-90% प्रॉब्लम आप वैसे भी सॉल्व कर पाओगे इफ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस जो मैं आपको डेली दूंगा वो. ठीक है, सो दैट इज वन. दूसरा, व्हेन शुड यू स्टार्ट दैट एमसीक्यू प्रैक्टिस. नाउ एमसीक्यू में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एक तो अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू एडवाइज यू वन मेन बुक, दैट इज एमटीजी फिंगरप्रिंट्स. ठीक है, दूसरा जो आपके पास टैब है तो टैब में आपके पास एलन्स का क्वेश्चंस है और सिमिलर प्रैक्टिकली वही क्वेश्चंस आपके बुकलेट में है अगर आपको बुकलेट मिला है तो. नाउ बुकलेट में भी और एमटीजी में भी प्रॉब्लम यह है दैट टॉपिक वाइज चैप्टर क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं. अभी अपना एनिमल किंगडम है ना, अपना 3 हफ्ते चलने वाला है बट आपका एग्जाम एवरी वीक होगा, है ना. सो 3-4 टॉपिक्स होंगे, उसके अलग क्वेश्चन समझो 50 है आपके बुक में बट यू डोंट नो कि कौन से 50 पढ़ने हैं. विच मीन्स आप जब एमटीजी पढ़ोगे या बुकलेट के क्वेश्चंस पढ़ने जाओगे तो 150-200 क्वेश्चंस पढ़ोगे तब आपके कवर होंगे. प्लस बहुत सारे क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे बिकॉज हमने अभी तक कवर नहीं किया है. सो दिस कन्फ्यूजन विल रिमेन वेन यू हैव नॉट कम्प्लीटेड वन चैप्टर. ओके, फिर भी एमटीजी में से आई विल ट्राई टू गिव यू नंबर्स के भाई ये कम से कम क्वेश्चंस करो बिफोर योर एग्जाम. मतलब संडे के पहले मैं सैटरडे को आपको मुझे रिमाइंड करना है तो एमटीजी में से कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने मैं आपको बता दूंगा. ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू डू. लेकिन बाय द टाइम द चैप्टर गेट्स ओवर, पूरा चैप्टर खत्म हो गया 2-3 हफ्ते में जो अपना होगा, तो उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं. तब तक यूर फोकस विल बी ऑन द असाइनमेंट क्वेश्चंस दैट आई गिव टू यू एवरी डे. ओके, इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछो. मीनवाइल मैं वो चैप्टर का स्लाइड लेके आ रहा हूँ यहाँ से. ओके, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन द चैट और वर्बली. आदित्य यू हैव, आदित्य एंड अनुजा आंसर करो इसको, जिसको ग्रुप में ज्वाइन करना है प्लीज आंसर देम ऑन द ग्रुप. हाँ आदित्य, ये जो किसी को ज्वाइन करना है गिव हिम एन आंसर ऑन द ग्रुप, उसको बोलो कैसे ज्वाइन करना है. या सो हूएवर वॉन्ट्स टू ज्वाइन, आपका नंबर भी लिखो और नंबर के बाजू में आपका नाम भी लिखो. ना आदित्य एंड अनुजा विल का नंबर है, आप ये नंबर पे उनको भेज सकते हो या अभी इस वक्त बाद में करो, चैट पे मत ये सब करो. सो अनुजा को या तो आदित्य को यू कैन सेंड द नंबर अलॉन्ग विद द
नेम नेम भी साथ में लिखना, दे विल हेल्प यू टू ज्वाइन, दे विल सेंड यू अ लिंक। ओके ओके नाउ कैन यू सी द स्लाइड, एनिमल किंगडम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके मेरी आवाज बराबर आ रही है? फाइन ओके, सो नाउ फॉन्ट साइज इज ओके, फॉन्ट साइज ठीक है। तो अभी ये जो नोट्स में से आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपको मैं भेजूंगा आफ्टर द लेक्चर। ओके सो आप और कोई बुक नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा राइट नाउ। Now, what is the first topic? Common characteristics of animals. Okay. Our chapter is Animal Kingdom, and I told you that Animal Kingdom में तीन हिस्से हैं. First हिस्सा is the method in which we classify the animals into different phyla. ठीक है? ये उसके पहले Animal Kingdom के कुछ introductory points. Now, what is the first thing? Common characteristics of animals. Very important question. ये हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। ओके ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक एंड दे हैव सेल ऑर्गेनेल्स। हर एक एनिमल में यूकैरियोटिक होता है, मीन दे हैव द सेल मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स, मतलब न्यूक्लियस भी होता है एंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं। ओके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आप एनिमल्स में पाओगे दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, TLOO, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वन फाइलम दैट इज पोरीफेरा, वन फाइलम दैट इज पोरीफेरा डजंट हैव टिश्यूज, उसमें सिर्फ सेल्स एग्रीगेट होते हैं। सो देर इज एन एक्सेप्शन, ऑल एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट पोरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या होता है, इट इज ओनली सेल्स एग्रीगेटिंग टूगेदर, मतलब सेल्स इकट्ठा होके एक एनिमल बन जाता है, लेकिन सेल्स इकट्ठा होके टिश्यू बना के टिश्यू इकट्ठा नहीं होते। ओके एंड डिटेल में हम करेंगे व्हेन वी डू पॉरीफेरा। देन सेल वॉल्स एंड प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट फॉर एनर्जी, ऑटोट्रॉफिज्म नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड नहीं होते तो अपना खाना नहीं बना सकते। सो दे आर हेटरोट्रॉफिक मीन्स दे अक्वायर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, खुद अपना खाना बना नहीं सकते। और वेन दे आर ईटिंग यूजली दे आर होलोजोइक, होलोजोइक मतलब वो पूरा का पूरा खाना खाएंगे, जैसे हम पूरा चिकन भी खाते हैं, हम पूरा बैक्टीरिया भी खाते हैं, हम बैक्टीरिया को काट के कुट के फिर डाइजेस्ट करके नहीं खाते। ओके हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खाते हैं एंड देन वी डाइजेस्ट इट इन अवर ये, तो वी टेल द सेल जो होता है हम होल सेल खाते हैं। ओके ह्यूमन बींग्स तो पूरा मुर्गी भी खा जाते हैं, बट दैट इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग वी टेक द होल सेल, वी डोंट, जैसे फंगाई में क्या होता है, फंगाई will release some chemicals, enzymes outside, आसपास में जो खाना होता है कुछ चीज़ें पड़ी होती है जैसे dead decaying matter होता है उसके ऊपर अपने enzymes release करेगा और फिर enzymes release करके वो cell को break down करके उसका जो ज़रूरी चीज़ है nutrients उसको absorb करेगा। Means it does not absorb the whole cell, tissue or the organism. It will only absorb the necessary nutrients. So what we do is we absorb, we consume the whole cell. So it is called holozoic. Movement. Animals mein hamesha movement hoti hai. Except you will find that some animals are sessile. Matlab ek bar adult ho gaye phir wo chipak jate zameen par. Jaise porifera hai, hydra hai. Ek bar adult ho gaye to they don't move. But we are not talking about locomotion. Abhi main baat kar raha hu movement ki. So movement mein for example porifera does not move, लेकिन porifera के अंदर flagella है, flagella is present in some cells of porifera और वो flagella move करता है, है ना? Now this kind of movement, microscopic movement भी आपको plants में नहीं मिलेगा, plants don't move,
हवे से हिलेंगे, सनलाइट की तरफ मुड़ेंगे, है ना, लेकिन खुद अपने आप से हिल नहीं सकते, या उनके सेल्स या उसके ऑर्गेनल, दे डोंट हैव सीलिया, दे डोंट हैव फ्लैजेला, सो दैट दे मूव. ओके, बट ऑल एनिमल्स विल शो सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट. ओके, सो एनिमल्स मे नॉट शो लोकोमोशन, बट एनिमल्स विल मूव, विल शो मूवमेंट. देन ऑल एनिमल्स विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऑल्दो सम एनिमल्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन एवरी एनिमल विल हैव द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, सेक्सुअली मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ गैमिट्स, मेल एंड द फीमेल गैमिट. ओके, तो पोरीफेरा है, प्लेनेरिया है, ऐसे कुछ एनिमल्स है जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो, बट दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमिट्स. सो समटाइम्स दे विल प्रोड्यूस सेक्सुअली, समटाइम्स ए सेक्सुअली. ओके, हाउएवर व्हेन यू विल गो बियॉन्ड निमेटोड्स, निमेटोड्स के आगे जाओगे, देन ऑल ऑफ देम विल प्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, आगे जाके यू डू नॉट हैव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन पहले दो दो तीन फाइला में देर इज एन ऑप्शन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इको सिस्टम, इको सिस्टम में क्या काम करते हैं. तो इन द इको सिस्टम एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स, अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, सो दे ईट अदर ऑर्गेनिजम्स और दे ईट फूड मेड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, इन द मिडल ऑफ द नाइट रात में नींद में से उठाए तो भी आपको ये मालूम होना चाहिए. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी ये मैंने ग्रे में लिखा है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको नीट या एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है ये. सो आपको एक बार पढ़ के यू कैन फॉरगेट इट. आपके लोकल एग्जाम्स में ये ग्रे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जनरली नीट में नहीं आएंगे. ओके, सो व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, द एम्ब्रियो पासिस थ्रू अ ब्लास्टुला स्टेज. हम जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेंगे, हम 12वीं में करेंगे, तब आपको ये पॉइंट याद आएगा. ओके, सो एम्ब्रियो में वेरियस स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट में, बिफोर इट बिकम्स अ फीटस. ओके, तो उसमें होता है, एम्ब्रियो में होता है मोरूला होता है, ब्लास्टुला होता है, ग्रेस्टुला होता है, ये सब चीज बाद में आएगी. ओके, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एनिमल्स. याद रखना एनिमल्स का लैटिन नेम क्या है, ऊपर देखो, मेटाजोआ. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लांट्स लैटिन में, अगर एनिमल्स का नाम मेटाजोआ है तो प्लांट्स का नाम लैटिन में क्या होगा, प्लांट्स को क्या नाम से बुलाओगे, बोलो बोलो, कोशिश करो. ट्राई ट्राई, हिंट है ना, मेटाजोआ is animals, so plants को हम क्या बोलेंगे, प्लांटे वे. ओके, बट फाइन, बट ये मेटाजोआ जैसा कुछ बोलो ना. चलो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, मेटाजोआ पेटा नो, इट इज मेटा फाइटा, इट इज मेटा फाइटा, बट गुड ट्राई, यू मस्ट कीप ट्राइंग. ठीक है, सो आई विल नो कि आपका दिमाग अगर किधर गलत चल रहा है तो. ओके, द नेम इज मेटाफाइटा, सो प्लांट्स आर मेटाफाइटा एंड एनिमल्स आर मेटाजोआ. ओके, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इफ यू डू सच मिस्टेक्स. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांटे, बट दैट इज अ मॉडर्न नेम, ओरिजिनली दे आर कॉल्ड मेटाफाइटा. नाउ मेटा मतलब मेनी वेराइटीज और चेंजिंग टाइप्स, मतलब वेराइटी ऑफ टाइप्स. तो एनिमल्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं, तो इसको एक ग्रुप में मेटाजोआ बोला है, और प्लांट्स के अलग अलग वैरायटी को मेटाफाइटा बोला है. ठीक है, नाउ वी कम डाउन. नाउ अगर हमको एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में करना है, आई होप आपने किया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना, कल्याण सर ने किया होगा कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिवाइड
एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उसे याद रखना आसान पड़ता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, हमारा नॉलेज अबाउट एनिमल एक दूसरे के साथ शेयर करना है, तो हमको हर एक एनिमल को एक नाम देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया, फिर नोमेनक्लेचर के आपने पॉइंट्स किए होंगे कि कैसे वो नाम करना, तो जीनस एंड स्पीशीज। और जीनस और स्पीशीज का एक थप्पा लगाने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, है ना। तो एक जैसे एनिमल्स को आप एक टैक्सोन में डालोगे, है ना। और यहाँ एनिमल किंगडम में जो अलग अलग टैक्सोन्स है और ग्रुप्स है उसका नाम क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स इन द एनिमल किंगडम कॉल्ड, आंसर करो, व्हाट आर द ग्रुप्स इन द एनिमल किंगडम, या अलग अलग टैक्सोन्स के नाम क्या है। वो एनिमल किंगडम में वो एक मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है। आई नो ऑल ऑफ यू नो इट, द आंसर इज फाइला। तो फाइला मीन्स डिफरेंट बिग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो अभी हमारा क्या पॉइंट है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इनटू फाइला, मतलब इनटू डिफरेंट फाइला। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ टू डिवाइड द एनिमल्स इनटू डिफरेंट फाइला। Okay, what are the points that you will use? So the first point is arrangement or the level of organization. LOO matlab kya? Level of organization of cells. This is the first point. Second, aap kya use karoge? Wo animals jab unka development hota hai, to usme kaise aur kaun se germ layers hote hai? Germ layers. Means which are the embryologic or the primary germ layers. Okay? All these points I am going to discuss. Okay. When you classify animals according to this point, तब आपको पता चलेगा कि कुछ animals के development में दो germ layers होते हैं, तो उसको बोलते हैं diploblastic, और किसी में तीन होते हैं, तो उसको बोलते हैं triploblastic. Okay? So that is one more point of ये. Then body plan. अगर आप body plan देखोगे, तो मैंने उसको number नहीं किया है. Okay? क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिविजन ऑफ एनिमल्स, फिर भी हम पढ़ेंगे और वो आपके सिलेबस में है, ब्लैक में है, मतलब सिलेबस में है। सो बॉडी प्लान मतलब प्राइमरी, ये दिस मीन्स प्राइमरी है, ये वन के ऊपर ये एस्टेरिक्स है, मतलब प्राइमरी। सो बॉडी प्लान दो टाइप के होते हैं, ब्लाइंड सैक होता है या ट्यूब इन ट्यूब प्लान होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डिवाइडिंग एनिमल्स। देन बॉडी सिमेट्री, मतलब वो रेडियल है या सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट यूज्ड। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द सेकेंडरी बॉडी कैविटी, कि कोई भी एनिमल जब बनता है ना, तो पहले उसका एलिमेंट्री कनाल बनता है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड दैट इज अ कैविटी इनसाइड द एनिमल, है ना, एनिमल के अंदर कैविटी होता है, सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी बॉडी कैविटी। बट आगे देखोगे कि बॉडी वॉल में और एक कैविटी बनती है, दैट इज कॉल्ड द सीलम, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी बॉडी कैविटी। तो सम एनिमल्स हैव अ सेकेंडरी बॉडी कैविटी, किसी में अलग टाइप का होता है, जैसे सूडो सीलोम होता है या यू सीलोम होता है। ओके, ऑल दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, यहां से हम नाम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, अब ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। Next is segmentation of the body. Okay, if you know an earthworm, the earthworm is like a whole worm, lekin uske upar aap lines dekhoge. So there, the lines will divide the earthworm into segments. So that is segmentation. ऐसे ही आप cockroach को देखोगे तो उसके ऊपर भी आपको उसके wings हटा दोगे ना, तो उसके body पे आपको segments दिखेंगे. So some animals are segmented, some animals are not segmented. ठीक है, नाउ टेल मी, आर वी ह्यूमन बींग्स आर सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड, हम लोग सेगमेंटेड है या नहीं सेगमेंटेड है? आर वी सेगमेंटेड और नॉट सेगमेंटेड? नॉन, नो, गलत।
वी आर सेगमेंटेड, अभी सुनो ध्यान से, वी आर सेगमेंटेड ओके, बट हमारे सेगमेंट्स के ऊपर हमारी स्किन जो लग जाती है वो स्किन नॉन सेगमेंटेड है, क्योंकि स्किन हमारी बाद में डेवलप होती है. तो सेगमेंट मतलब क्या, जैसे इफ यू नो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन है उसमें अलग अलग वर्टिब्रा या बोन्स है, वैसे ही हमारे अलग अलग रिब्स है ना. तो आवर थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, जैसे वर्टिब्रा भी है, उसके नर्व्स भी है, अलग अलग नर्व्स है हर एक सेगमेंट में, हर एक में अलग अलग रिब्स है. सो आवर बॉडी इज इंटरनली सेगमेंटेड बट एक्सटर्नली वी कैनॉट सी द सेगमेंट्स. ओके, सो ये पॉइंट पे भी हम क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स को, विच एनिमल्स आर सेगमेंटेड विच आर नॉट सेगमेंटेड. ओके, नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड. नाउ ये नोटोकॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इफ यू नो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जब इवॉल्व हुए तो वो पानी में इवॉल्व हुए. द अर्लियर एनिमल्स वर स्मॉल एंड सिंपल, लेकिन अगर सर्वाइव करना है तो एनिमल को मोर कॉम्प्लेक्स एंड बड़ा बनना पड़ता है. मोर कॉम्प्लेक्स मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड, उसमें ज़्यादा हाथ पैर होने चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होना चाहिए. सो फॉर सर्वाइवल एनिमल्स हैव टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इवोल्यूशन में आ सकती है, लेकिन जैसे बड़ा होना होता है तो द बॉडी हैज टू बी स्ट्रांग. जैसे इफ यू हैव अ बिग फिश, लेकिन अगर फिश में बीच में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा तो उसका बॉडी लपक जाएगा, इट कैन नॉट होल्ड इटसेल्फ, है ना. मतलब अगर बड़ा होना है, कोई भी एनिमल को बड़ा होना है तो उसको एक अंदर से स्ट्रांग एंडोस्केलेटन सपोर्ट चाहिए. तो एनिमल्स जब धीरे धीरे इवोल्यूशन में बड़े हुए तो कुछ एनिमल्स में एक स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रांग सेंट्रल स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम की तरह, दैट बिकेम अ सपोर्ट सिस्टम, एंड उसके सपोर्ट से फिर उनके बॉडी को सपोर्ट कर सके. सो लार्ज बॉडीज ऑल्सो कुड बी सपोर्टेड बाय देम, सो दैट इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड. जो एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, है ना. सो वी आर कॉर्डेट्स. सम कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड था आगे जाके और इवॉल्व हुए और दैट बिकेम अ बोनी वर्टिब्रल कॉलम. सो नोटोकॉर्ड की जगह पे कुछ कुछ एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम आ गया, तो वो और भी मजबूत हो गया उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर का सपोर्ट सिस्टम. सो सम कॉर्डेट्स जो और भी मजबूत बने और उसमें वर्टिब्रल कॉलम आया उसको बोलते द वर्टिब्रेट्स. सो वी जैसे फिश ऑनवर्ड्स, फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑल ऑफ देम आर वर्टिब्रेट एनिमल्स. ओके, सो वी आर कॉर्डेट्स बिकॉज हमारा नोटोकॉर्ड तो है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड हमारे में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है. सो वी आर कॉर्डेट्स विथ अ वर्टिब्रल कॉलम, सो वी आर कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स. ओके, सो ये सब पॉइंट्स है जो हम स्टडी करने वाले हैं व्हेन वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अभी 12:05 हो गया, एक दो मिनट का ब्रेक लेते हैं. मीनवाइल आप ये 7 पॉइंट्स एक बार पढ़ लो, हेडिंग पढ़ के व्हाट आर दी 7 पॉइंट्स प्लीज रीड. आई विल कम इन 2 मिनट्स.
ओके सो पढ़ लिया, आई होप एवरीबडी हैज रेड दिस. नाउ ये जो सात पॉइंट्स है, व्हाट इज एसिमेट्री बॉडी, समझे? ये जो पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ, सो डोंट वरी. ओके, एसिम मतलब एसिमेट्रिकल, मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है, बट ये पॉइंट्स हम आगे अभी डिस्कस करने वाले, आज ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये सात पॉइंट्स है जो मेन है फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स इनटू डिफरेंट फाइला, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स है, जैसे द नेचर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से एनिमल में कैसा है, उसके हिसाब से हमको मदद मिलती है उनको अलग अलग ग्रुप में डालने के लिए, अलग अलग फाइला में. देन द मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, देन रिप्रोडक्शन. ये इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है जो अलग अलग फाइला में अलग अलग लेवल तक डेवलप होती है. तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सिस्टम भी हम एनिमल्स को क्लासीफाई करने में हमको मदद मिल सकती है. ठीक है, तो ये भी हम करने वाले हैं. लास्ट है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो डिफरेंट फाइला विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ऑल दी सिस्टम्स का स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका फंक्शन विल ऑल्सो हेल्प अस टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ ये हमने जस्ट अ मिनट, दिस इज द ट्री और द इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ एनिमल्स. ये हमने एक बार जस्ट रिफर किया था. ओके, यू हैव टू नो वॉट दिस मीन्स. इट मीन्स दैट वी ऑल एनिमल्स, अवर रूट और एंसेस्ट्रल एनिमल्स जिसमें से हम सब बने हैं, देवर सम प्रोटिस्टा. कौन सा प्रोटिस्टा? दैट मीन्स यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर एनिमल्स, अरे ऑर्गेनिजम्स. तो प्रोटिस्टा में से एनिमल्स बने हैं इवॉल्व होके. वो कैसे इवॉल्व हुए हम आगे देखेंगे. और पहला फाइलम कौन सा बना? पॉरीफेरा. पॉरीफेरा आगे जाके इवॉल्व नहीं हुआ. आज भी पॉरीफेरा वैसे का वैसा है, लेकिन कुछ पॉरीफेरा इवॉल्व होके या बदल गए एंड आगे जाके दे बिकेम निडेरिया. लेफ्ट में निडेरिया, ठीक है. सम मेनी निडेरियंस आर हैप्पी लिविंग द वे दे आर. उनको इवॉल्व ऑल होने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन कुछ को लगा कि हमको ऑल इवॉल्व होना पड़ेगा. सो दे इवॉल्व इनटू अदर एनिमल्स. ओके, फॉर एग्जांपल दे बिकेम आइदर फ्लैट वर्म्स और निमेटोड, मतलब राउंड वर्म्स. बट सम अदर एनिमल्स थॉट कि हमको और भी इवॉल्व होना चाहिए अगर सर्वाइव करना है. तो दे कन्वर्टेड इंटू, लेफ्ट में देखो, मॉलस्क, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. बट अदर एनिमल्स इवॉल्व इंटू आइदर इकानोडम और कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स मतलब द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल, जो हमने जब बात की, नोटोकॉर्ड वाले. सो दिस इज द इवोल्यूशनरी ट्री. ओके, आपके आज के क्वेश्चन में ये एक फिगर बनाने का क्वेश्चन होगा, तो इसको आर्टिस्टिक बनाने की कोशिश मत करना. आई विल राइट द क्वेश्चन विल बी के ड्रॉ द इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ द एनिमल्स. तो आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये नाम लिखने हैं. और लेकिन ब्रांच आर्टिस्टिक बनाना है नहीं है, बस ट्री जैसा दिखना चाहिए. और आप कौन से पॉइंट से कौन सा ब्रांच निकालते हो आपको ध्यान रखना है ना. तो आप यहाँ से इकानोडम वाला ब्रांच नहीं निकाल सकते हो. इकानोडम वाला ब्रांच कब निकलेगा? आफ्टर दिस ब्रांच, जहाँ पे ये तीनों निकले, मोलस्क, एनिलिड और आर्थ्रोपोड बने ना, ये ब्रांच के बाद देखो इकानोडम वाला ब्रांच निकला है. सो बी टेक्निकली करेक्ट, बट आर्टिस्टिक होकर टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करना. तो दिस इज द इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ एनिमल्स. और ये सब फाइला जो है, हर एक को हम स्टडी करने वाले हैं, और कौन से फाइला में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी. और ये मैं आपको नोट्स भेजूंगा बकायदा. नाउ ये लेफ्ट साइड में ऊपर देखो कि ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब क्या? थोड़ा जूम कीजिए. अभी ये अभी ठीक है? अभी ये फॉन्ट ठीक है?
छोटा फॉन्ट आएगा तो आई विल जूम, कि डोंट वरी। नाउ लेफ्ट साइड में ऊपर है की ट्रांजिशंस। नाउ इसका मतलब क्या, ट्रांजिशन मतलब चेंज। तो इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स हमने देखा कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए। पॉरीफेरा में थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फिर जैसे इवॉल्व हुआ तो और कैरेक्टरिस्टिक हुए, एनिमल्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर। बट देर वर थ्री इंपॉर्टेंट चेंजेस इवोल्यूशन में जो बहुत महत्व के हैं, दे आर कॉल्ड द की ट्रांजिशंस। वन इज फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, जैसे पॉरीफेरा में टिश्यू नहीं था लेकिन पहली बार टिश्यूज बने इन द सिलेंट्रेटा, तो ये बहुत बड़ा चेंज था जिसकी वजह से आगे इवोल्यूशन बहुत आसान हो गया। सो द फर्स्ट की ट्रांजिशन इज फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यूज। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ बाइलैटरलिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, एनिमल्स शुरुआत में कैसे थे, रेडियल थे, गोल गोल रेडियल, बट बाद में बाइलैटरली सिमेट्रिकल बने। मतलब जैसे हम बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, हमारे बॉडी को ऐसे काटो तो वी विल हैव अ राइट हाफ एंड अ लेफ्ट हाफ। ओके, सो व्हेन यू कैन डिवाइड वन एनिमल इनटू टू पार्ट्स, अ राइट एंड अ लेफ्ट, तो वी से इट इज अ बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। दो उसके दो हिस्से बना सकते हो, बाइलैटरल। ओके, अब ये एनिमल्स कौन से थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, मैंने ऊपर बताया था कि जर्म लेयर्स एनिमल्स में कितने होते हैं, जो पॉरीफेरा में जर्म लेयर्स होते ही नहीं है। बाद में आप देखोगे कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो जर्म लेयर्स बने। लेकिन उसके बाद प्लेनेरिया के ऑनवर्ड्स, के फ्लैटवर्म ऑनवर्ड्स, ऑल एनिमल्स वर ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब उसके एम्ब्रियो में शुरुआत से ही तीन लेयर्स ऑफ, थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स थे, देवर थ्री लेयर्स ऑफ प्राइमरी जर्म सेल्स। ओके, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जब इवॉल्व हुए साथ में ही उनका ये एक फीचर डेवलप हुआ, बाइलैटरलिज्म, दे बिकेम बाइलैटरल। ओके, सो प्लेनेरिया के बाद ऑल एनिमल्स आर बाइलैटरल एंड ऑल एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके फायदे क्या है हम देखेंगे, एंड व्हाई वी से कि दिस इज अ की ट्रांजिशन, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चेंज क्यों है, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज सीलम और बॉडी कैविटी अराउंड द गट। ओके, तो दिस इज द सेकेंडरी बॉडी कैविटी जो हमने ऊपर बात की थी। सो एनिमल्स में शुरुआत में बहुत जरूरी था एलिमेंट्री कनाल, तो वो तो पहले बन गया, उसके बिना एनिमल का जीना ही पॉसिबल नहीं था। लेकिन बाद में व्हेन एनिमल्स इवॉल्व्ड, तो उनके बॉडी वॉल में, वॉल ऑफ द बॉडी में और एक कैविटी बनी, दैट इज कॉल्ड द सीलम। वी ऑल हैव दिस कैविटी, और हमारे बॉडी में कैसे और कहाँ है हम आगे देखेंगे। तो दिस वॉज द थर्ड की ट्रांजिशन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द सीलम और द बॉडी कैविटी अराउंड द गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल इन द बॉडी वॉल। ठीक है, सो दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट की ट्रांजिशंस इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट, नाउ दिस इज द actual topic we are starting, that is the basis of classification. Okay, now there is a difference in the structure and form of different animals. Okay, there are few fundamental characteristics jo har ek animal mein common hai. Ye fundamental characteristics har ek animal mein milenge, aur wo hamara aaj ka first topic tha, wo main upar leke ja raha hu. Ye dekho, ye wala, these are the common characteristics or the fundamental characteristics of all animals. All animals will have this. ठीक है, अब ये characteristics है तो किसी भी organism को हम animal बोल सकते हैं। एक बार हमने पहचान लिया कि ये organism animal है, उसके बाद हम उसको classify करेंगे into different phyla. So now we are going to that classification. Okay? So let us see how to classify. Okay? Now embryonic germ layers, this is a very important point in classification. Okay, now what is a germ layer of cells? What is a germ layer? A germ layer is a primary layer of cells that forms during embryogenesis.
तो जब एम्ब्रियो बनता है, अभी मैं देखो आप नीचे दिखा रहा हूँ, ये शुरुआत में एम्ब्रियो वन सेल्ड होता है, सिंगल सेल होता है, उसके दो बनते, दो के चार बनते, चार के आठ बनते हैं, यू नो दे डिवाइड बाय माइटोसिस। ओके, अ स्टेज विल कम, देन दे विल बिकम 8 to 16 सेल। तो द सेल्स विल बी लाइक दिस, एम्ब्रियो विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड अ मोरूला, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, दिस इज 8 to 16 सेल। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दैट द एम्ब्रियो में सेल्स होते हैं, इसने यहाँ पे काट के दिखाया है, तो कुछ सेल्स एक तरफ चले जाते हैं और कुछ सेल्स बाहर की तरफ आते हैं। ओके, सम सेल्स विल गो आउटसाइड, देन यू आर सीइंग, यहाँ राइट वाला देखो, जो इनर वाले सेल्स थे दे हैव नाउ डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स, टू लेयर्स है ना। तो ये दो लेयर जो है आखिर में जो हमारा फीटस बनेगा या हम बनेंगे फ्रॉम द एम्ब्रियो, इन सम एनिमल्स ये दो प्राइमरी लेयर्स में से बनते हैं। तो इसमें जो इवोल्यूशन होता है ये एनिमल्स में, दिस इज अप टू टीनोफोरा एंड सिलेंड्रेटा, उनके एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक सेल्स गेट डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स, दिस ब्लू लेयर एंड द येलो लेयर। ओके, एंड दे आर टू सेल्स, और ये दो लेयर में से ही बाकी का आगे का इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे हैव टू प्राइमरी जर्म लेयर्स। हावेवर इफ यू गो टू मोर एडवांस एनिमल्स फ्रॉम प्लेनेरिया, मतलब फ्रॉम प्लेटीहेलमिंथिस अप टू ह्यूमन बींग्स, पूरा ऑल एनिमल्स, उनके एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होता है तो पहले तो ये दो लेयर बनते हैं एम्ब्रियो में, लेकिन बीच में आप देखो और एक तीसरा लेयर है, रेड सेल्स है, थर्ड लेयर ऑल्सो डेवलप्स। सो बिफोर द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इंटू थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ओके, सो नाउ वी कैन डिवाइड द एनिमल्स इंटू थ्री ग्रुप्स। वन, जिसमें सेल, ये जो जर्म लेयर्स होते ही नहीं है, बट दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, तो वो पॉरीफेरा में होता है, दे डू नॉट हैव प्रॉपर जर्म लेयर्स। लेकिन उसके बाद दो एनिमल्स है, दो ग्रुप्स है, दैट इज सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब उनके एम्ब्रियो में दो लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। मोर एडवांस एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब प्लेटीहेलमिंथिस से आगे आप देखोगे तो उनके एम्ब्रियो में तीन लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये तीन लेयर्स बनने के बाद फिर आगे का डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा, है ना। तो ये सेल्स में से ही आगे का फीटस, और फिर हम इन्फंट एंड चाइल्ड एंड एडल्ट बनेंगे। सो दीज आर द प्राइमरी जर्म लेयर्स, जिसमें से हमारी पूरी बॉडी की रचना या डेवलपमेंट होता है। बट बिफोर दैट हैपन्स द एम्ब्रियो का सेल्स विल गेट ऑर्गेनाइज इंटू थ्री लेयर्स, दे आर कॉल्ड द जर्म सेल्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि जाइगोट इज हाउ मेनी सेल्स, एवरीबडी नोज इट इज वन सेल, बट इट इज डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इट हैज गॉट टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, जाइगोट डिवाइड होके इट विल बिकम 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज। तो दैट डिविजन, जाइगोट का डिविजन इज कॉल्ड क्लीवेज, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या, दो का चार, चार का आठ, तो क्लीवेज में भी वैसे ही होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। तो क्लीवेज होके क्या बनेगा, पहले मोरूला बनेगा, मोरूला इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक अ सॉलिड बॉल। देखो इधर लेफ्ट में पहला वाला, ओके, सो मोरूला इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स जहाँ 8 to 16 सेल्स है। उसके बाद क्या होगा, इट विल बिकम अ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्या होता है, जहाँ पे सेल्स हैव गॉट ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द आउटर सेल्स का एक रिम बनेगा, एक बॉर्डर बनेगा, एंड द इनर सेल्स विल गो टू वन साइड। ओके, अगर सेल्स एक साइड पे चले जाएंगे तो बाकी के एम्ब्रियो में एक कैविटी बन जाएगा, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। देखो नीचे लिखा है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ओके, तो व्हेन एम्ब्रियो में डेवलपमेंट में ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनता है, उसका दूसरा नाम है ब्लास्टोसील, तब ये एम्ब्रियो को ये लेवल पे ब्लास्टुला बोलते हैं। सो ब्लास्टुला में क्या क्या आपने देखा,
you have a blastocyst cavity or a blastocele, and the cells are divided into two parts. One is the outer layer of cells and an inner layer of cells. To ek side pe. ठीक है. Now this is an early blastula or a blastocyst. Later on क्या है, जो अंदर वाले cells है, जो orange color के cells है, they will divide into two layers of cells. Okay. तो अब you have a blastula plus you have an upper, ऊपर एक amniotic cavity है, और एक cavity बन गया है ना. तो outer वाले cells तो outer ही है, लेकिन अंदर वाले cells अब क्या हुआ, दो cells दो layer में बन गए, और दो लेयर में बनते बनते ऊपर एक कैविटी बना और नीचे एक कैविटी बना. ओके. तो नीचे वाला कैविटी क्या था, पहले ब्लास्टोसिस्ट था, और ऊपर वाला एक नया कैविटी बना, उसका नाम देखो एमनियोटिक कैविटी. ओके. अब नीचे का कैविटी जो है उसका इसने कलर बदल लिया है. व्हाई बदला है, बिकॉज उसका जो लाइनिंग है कैविटी का, दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस न्यू सेल. येलो कलर के सेल्स है, उसका नया लाइनिंग बनाते हैं. तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है वो आगे जाके नाम देखो योक सैक बनेगा. योक सैक मतलब उसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते, एंड दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके. नाउ और भी जब इवॉल्व होगा तो ये सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होते होते और एक लेयर ऑफ सेल्स बनेगा बीच में, एंड दैट इज वॉट द थर्ड लेयर इज. नाउ दिस इज अ लेयर लेवल कॉल्ड द गैस्ट्रूला. देखो ऊपर छोटा फॉन्ट में गैस्ट्रूला. सो आपको याद क्या रखना है, द अर्लीएस्ट लेवल वॉज द जाइगोट. जाइगोट में से जब 8 टू 16 सेल होता है तो इट इज कॉल्ड अ मोरूला. मोरूला में और भी सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तब उसमें एक कैविटी बनता है. जब कैविटी बनता है दैट इज कॉल्ड अ ब्लास्टूला, एंड द कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट. बाय दैट टाइम उसके अंदर वाले जो सेल्स है दे विल गेट डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स. ओके. दीज आर द टू जर्म लेयर्स, और उसको नरिशमेंट करने के लिए ब्लास्टोसील कैविटी विल कन्वर्ट इनटू द योक सैक, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. ओके. इन दिस स्टेज इज कॉल्ड, ये दोनों स्टेज का नाम है ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट, और कैविटी का नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और द ब्लास्टोसील, COELE. The next stage comes when animals become triploblastic, or they become, embryo becomes three layers of cells. Okay. So advanced animals में मतलब flatworm onwards आपको embryo development में तीन layer of cells मिलेंगे. Okay. And this stage is called the gastrula. This stage is called the gastrula, जहाँ पे the embryo is in divided in three layers of cells. ओके. नाउ इफ यू सी, ओके, अब ध्यान से देखो, ये मैंने बताया कि गैस्ट्रूला है या जो थ्री लेयर्स ऑफ जर्म सेल्स है वो आपको सिर्फ एडवांस एनिमल्स में मिलेंगे. लेकिन इफ यू रियलाइज एडवांस बनने के लिए द एम्ब्रियो हैज टू गो थ्रू स्टेज 1, 2 and 3, है ना. 1 इज मोरूला, 2 and 3 इज ब्लास्टूला. ओके. सो ऐसे कहा जाता है दैट ऑल एनिमल्स इन द एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट वो कम से कम ब्लास्टूला स्टेज तक तो पहुंचेंगे, है ना. जिस मतलब क्या, उसमें दो लेयर्स ऑफ जर्म सेल्स होंगे. ऐसे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियो और एडवांस होता है, वो ऑर्गेनिज्म बनने के पहले अपने आप को तीन लेयर में डिवाइड करता है. ऐसे एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. बट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विल ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द डिप्लोब्लास्टिक स्टेज. सो वी कैन से दैट ऑल एनिमल्स will always have a blastula stage in their embryology. Okay? Remember, hamesha porifera ka exception hota hai. Porifera mein ye sab nahi hota hai. Hai na? To real animals, wo hi hai jisme ye kam se kam blastula ka stage aata hai in the embryo. Okay? So such animals are called diploblastic. True animals. Coelenterata onwards, all animals are called true animals. Okay? Now I'm going down. एक मिनट. सो नाउ सी दिस, यहां पे आप देखोगे एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. देखो एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. पहला है नो जर्म लेयर्स,
मतलब पॉरीफेरा, उसमें एम्ब्रियो में देर आर नो जर्म लेयर्स। ओके वन मिनट, the first group of animals is porifera, it does not have germ layers. Okay, kuch kuch books mein likha hai ki it has got two germ layers, but wo galat hai. Aage jab hum porifera karenge tab main samjhaunga. Then the next group of animals is diploblastic, means they have got two layers of cells in their embryo. Wo kaun se? Cylindrata and tenophores. Then the third group of animals are more advanced, they are called triploblastic. उनके एम्ब्रियो में थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स है, दैट इज प्लैटीहेल्मिंथेस और फ्लैटवर्म ऑनवर्ड्स अप टू कॉर्डेट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके सो दैट इज हाउ वी डिवाइड एनिमल इनटू थ्री ग्रुप्स। ओके नाउ ऑल यू मेटाजोन्स, मेटाजोआ मतलब क्या, मेटाजोआ मीन्स एनिमल्स। नाउ यहां वर्ड क्या यूज किया है, यू मेटाजोन्स, यू मतलब ट्रू करेक्ट सही वाला। सो यू मेटाजोन्स में कौन से एनिमल्स आते हैं जिसमें कम से कम दो या थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स हो, मतलब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को ट्रू एनिमल्स बोलते हैं, है ना। ऊपर अब देखो पॉरीफेरा में जर्म लेयर्स नहीं होता है, सो पॉरीफेरा इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू एनिमल फाइलम। ठीक है, उसके और भी कारण है, हम आगे देखेंगे। ठीक, सो ऑल ट्रू एनिमल्स रिक्वायर टू और थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स इन द एम्ब्रियो। ओके अब ये जर्म लेयर क्या करेंगे, इवेंचुअली मतलब आखिर में दे विल गिव राइज टू ऑल द एनिमल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब एक बार ये दो या तीन लेयर बन गए, उसके बाद उसमें से अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्ब्रियोलॉजी में ये दो या तीन लेयर बने पहले, क्योंकि उसके बाद ही उसका डेवलपमेंट इतना होता है कि अलग अलग ऑर्गन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स बने। ओके सो नाउ व्हाट आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ओके दे आर, देयर प्राइमरी जर्म लेयर्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक और जर्म लेयर्स, हमने ऑलरेडी किया है। अभी अगर दो लेयर्स है, दो लेयर्स है ना, तो हमने देखा कि एक ऊपर था एक नीचे था, but when the animal will develop into a hydra say, or when they develop into a starfish hai na, to it becomes round, jab evolve hote hai aisa hota hai, to jo upar wala layer hota hai wo bahar chala jata hai and it becomes the external layer or the ectoderm, jo internal layer hota hai internal it becomes the endoderm, to those two layers जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, द आउटर बिकम्स द एक्टोडर्म एंड द इनर बिकम्स द एंडोडर्म। ओके अब ये दो लेयर्स को चिपक के रहना चाहिए, तो चिपकने के लिए दे हैव अ ग्लू लाइक मतलब स्टिकी लेयर, उसका नाम है मेसोग्लिया। सो दे हैव अ लेयर इन बिटवीन कॉल्ड द मेसोग्लिया। अभी मेसोग्लिया में सेल्स नहीं होते और इसमें एक ग्लू लाइक मतलब स्टिकी सब्सटेंस होता है विच इज सिक्रेटेड बाय बोथ द लेयर्स ऑफ सेल्स and that will keep the cells together. Okay, तो उसके embryo में दो cells होते हैं, दो layer of cells, और ये दो layer of cells ही आगे जाके पूरा animal बनाएंगे. Okay, now I'll show you how that will look. Just one minute. One minute. Now, यहाँ क्लियरली दिखाया नहीं है, बट सिलेंट्रेटा इज गोइंग टू बिकम लाइक दैट। मतलब लेयर ऑफ सेल्स था वो फोल्ड होंगे, एक आउटर लेयर जो बाहर दिख रहा है हमको वो एक्टोडर्म बनेगा, और उसके अंदर का लेवल है अंदर वो कैविटी बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड द एंडोडर्म। अब वो कैविटी उसकी आगे जाके एलिमेंट्री कनाल बनने वाली है और द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो उसको गैस्ट्रोडर्म भी बोलते, तो अंदर वाले लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते।
So this is about two germ layers and diploblastic cells. Now other animals, in advanced animals kya hota hai? The embryo jab multiply hoke many multiple cells banta hai, it divides into three germ layers. Abhi ye teen germ layers ke naam kya hai? Outer is the ectoderm, inner is the endoderm. ये तो हमने ऊपर भी बताया, लेकिन बीच में जो बनता है थर्ड लेयर, ये सिर्फ एडवांस एनिमल्स में बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड द मेसोडर्म. सो यू हैव द एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म. ठीक है, ये कौन से एनिमल्स में मिलेगा आपको? फ्रॉम प्लैटी हेलमेंथिस, मतलब फ्लैटवर्म से कॉर्डेट्स तक. ओके, सो दीज आर एनिमल्स विच हैव गॉट ट्रिप्लोप्लास्टिक. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्म लेयर्स. बेस्ड ऑन द जर्म लेयर्स हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इंटू नो जर्म लेयर्स और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. तो आपको मालूम होना चाहिए डिप्लोब्लास्टिक में एनिमल कौन से है? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से है? ऑल एनिमल्स आफ्टर प्लैटी हेलमेंथिस. उसमें मॉलस्क का, एकेनोडर्माटा, कॉर्डेटा, ह्यूमन सब आ गए. ओके, सो दैट इज अबाउट द जर्म लेयर्स. एक लास्ट पॉइंट एंड देन आई विल टेक अ ब्रेक. एनिमल्स हु आर डिप्लोब्लास्टिक, जो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आप आगे देखोगे मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? एनिमल्स ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं, और उसको अगर ऐसे काट दो, है ना, अगर आप आगे से देखोगे, इफ यू कट इट इनटू डिफरेंट प्लेन्स, तो आप कोई भी प्लेन में काटोगे यू विल गेट टू सिमेट्रिकल हाफ्स, है ना. तो आप एनिमल ऐसा है, आप ऐसे काटो, ऐसे काटो या कैसे भी काटो, यू विल गेट टू डिफरेंट हाफ्स. सो ऐसे एनिमल्स को रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं. इफ यू कट अक्रॉस अलोंग द डायमीटर और द रेडियस, तो यू विल गेट टू हाफ्स, कोई भी प्लेन में आप काटो. ओके, सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब टीनोफोरा एंड आपका सिलेंड्रेटा, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब फ्रॉम प्लैटी हेलमेंथिस ऑनवर्ड्स, दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब हमारे जैसे होते. हमको ऐसे काटोगे तो ऊपर और नीचे इक्वल नहीं मिलेगा, सिर्फ बीच में से ऐसे काटोगे तो आपको एक राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ. सो वी कैन बी कट इनटू टू हाफ्स ओनली इन वन प्लेन. तो ऐसे सर से नीचे तक आप हमको काटोगे तो ही आपको एक दो इक्वल हाफ मिलेंगे. सो ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट लेवल ऑफ, सॉरी, अबाउट जर्म लेयर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डू इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम हाउ विल वी डिवाइड एनिमल्स इनटू डिफरेंट फाइला. फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं. 12:36 हुआ है, 12:40 को हम स्टार्ट करेंगे. ओके, thank you.
Can you hear me? एक मिनट। तो हमने पहला क्या किया? हाँ, वी डिड कि हम एनिमल्स को जर्म लेयर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, एम्ब्रियोलिक जर्म लेयर्स। और हमने देखा कि पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर्स नहीं होते एम्ब्रियो में, फिर कुछ एनिमल्स में दो लेयर्स होते हैं डेवलपमेंट में, और कुछ एनिमल्स में थ्री लेयर्स होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक सेल जो होता है ना, सेल के अंदर उसका एक सेल मेम्ब्रेन होता है, कुछ सेल्स में सेल वॉल होता है, देन अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कुछ सेल्स में और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो डिफरेंट सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अभी सेल की ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम पूरे ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, क्या उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है क्या, इज देयर अ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सबसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इन एनिमल्स विच आर यूनिसेल्यूलर, उनका एक ही सेल होता है और जो भी कुछ होता है उसी सेल के अंदर होता है। अभी यूनिसेल्यूलर एनिमल्स में आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अभी मोनेरा, यहाँ देखो लेफ्ट में ऊपर मोनेरा, मोनेरा में एक ही सेल होता है और सेल के अंदर जो भी लिक्विड्स है और वो लिक्विड के अंदर ही ऑल उसके बॉडी रिएक्शंस होते हैं, एवरीथिंग ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपेंस इन दैट लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। सो वी से कि मोनेरा में जो भी कुछ होता है एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द प्रोटोप्लाज्म। सो मोनेरा हैव द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या होता है, सिंगल सेल इज द होल ऑर्गेनिज्म, सो होल ऑर्गेनिज्म बस अपने प्रोटोप्लाज्म में काम करता है, ठीक है। बट व्हेन यू कम टू प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट मतलब यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है लेकिन उसके अलावा ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सो इट हैज टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रोटोप्लाज्म एंड अदर्स आर इन द ऑर्गेनेल्स। ओके, तो वी से इट हैज अ प्रोटोप्लाज्मिक एज वेल एज ऑर्गेनेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो उनके बॉडी की सब सिस्टम्स, सभी स्ट्रक्चर एंड सभी फंक्शन, कुछ होता है प्रोटोप्लाज्म में और कुछ होता है ऑर्गेनेल में, ठीक है। तो इसमें देर आर टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनेल लेवल। दोनों में एडवांस्ड कौन सा है, ऑर्गेनल लेवल। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा आर ऑर्गेनाइज्ड अप टू द ऑर्गेनल लेवल। ओके, सो प्रोटिस्टा में देयर आर टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनल। सो वी से दे आर ऑर्गेनाइज्ड अप टू द ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
बट मोनेरा आर ऑर्गेनाइज ओनली अप टू द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल. ठीक है, नाउ वी कम टू एनिमल्स. ना अब तक हमने बात की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. अब हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में तो सिंगल सेल होते ही नहीं है, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर. मतलब एक सेल उसके पूरे फंक्शंस नहीं कर पाएगा, और एनिमल्स को अलग अलग, यू रिक्वायर मोर नंबर ऑफ सेल्स एंड मोर टाइप्स ऑफ सेल्स टू डू ऑल द वर्क. ओके, सो व्हाट विल हैपन इन एनिमल्स, यू विल सी that the minimum organization is called the cellular level of organization. C मतलब cellular. ये आपको पॉरीफेरा में मिलेगा. मतलब एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइज होके पूरा एनिमल का काम करेंगे. सो दे आर ऑर्गेनाइज अप टू द लेवल ऑफ द सेल. सो पॉरीफेरा यू विल सी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो नीचे दिखा है. ओके, देन सम एनिमल्स, जो एडवांस एनिमल्स होते हैं, in that the cells will aggregate, cells ikattha hoke they will make tissues and they will have tissue level of organization. Hamare tissues kaun se hai? Nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue and muscular tissue. Abhi ye har ek tissue mein, jaise nervous tissue mein bahut sare neurons hote hai, connective tissue mein bahut sare fibroblasts hote hai, fiber cells, मसल टिश्यूज में बहुत सारे मसल सेल होते हैं. सो व्हेन मेनी सेल्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन एंड सेम ओरिजिन दे कम टुगेदर, तो हम बोलते हैं कि टिश्यूज बने. सो व्हेन सेल्स कम टुगेदर यू गेट अ टिश्यू. ओके, सो एडवांस एनिमल्स में क्या देखोगे आप? मिनिमम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखोगे. मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स इकट्ठा नहीं होते, लेकिन सेल्स इकट्ठा होके टिश्यूज बनाते हैं. ओके, सो दैट इज इन द मोर एडवांस एनिमल्स. ये कौन से एनिमल्स? यू विल सी, ये देखो नीचे, इनोफोरा एंड निडेरिया, इनमें टिश्यूज होते लेकिन ये इतने एडवांस नहीं होते कि उसमें ऑर्गन्स बने. बिकॉज द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, OLOO. ठीक है, अब ये ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सेल्स तो होते ही है, बट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज and then tissues again combine to form organs. So you will see that platyhelminth is onwards. Platyhelminth is onwards, aapko organ level of organization milega. So we call it OLOO. Okay, in the most advanced ye animals hai, nematodes onwards, nematode se human being tak, usme you will see organ system level of organization. Matlab kya? The organs will combine to form systems. For example, neural system, digestive system. Okay, so organ system mein kya hota hai? One system which will perform many different functions, aur wo different functions karne ke liye alag alag organs hote hai. Jaise hamare alimentary canal mein mouth hota hai, esophagus hota hai, stomach hota hai, lekin liver bhi hota hai, pancreas bhi hota hai. Okay, so when different organs are doing the job of digestion, same job, so they are called organs in the same system. So in advanced animals you will see organization up to the organ system level. ठीक है, so organ level आप कहाँ देखोगे? Nematode onwards, और उसके बाद जब annelid onwards देखोगे, you will see organ systems. उसके बाद up to human beings, all animals will have complex organ systems. Okay, so based on the level of organization we will divide animals into different groups. Cellular level of organization matlab porifera, tissue t matlab tissue level of organization matlab aapke nidaria and tenophora. Organ level mein sirf aapko ek hi milega, phylum, and that is platyhelminthes. And nematode onward aap dekhoge ki you will have organ systems. ओके, सो यू रियलाइज के एनिमल्स इवॉल्व जब हुए तब उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी इवोल्यूशन हुआ. सेल्यूलर थे, फिर कुछ टिश्यू वाले बने, फिर कुछ ऑर्गन्स डेवलप हुए, एंड फिर एडवांस एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स भी बने. ओके, ये नीचे वाला फिगर अलग है, देर में बाद में आपको बताऊंगा.
अभी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेलुलर लेवल, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, बट प्लीज लिसन केयरफुली. अब सेलुलर लेवल मतलब एनिमल्स का पहला और सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो एनिमल्स आर मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे बेसिक एनिमल्स, मतलब सिर्फ पॉरीफेरा में ही आपको ये देखने मिलेगा. सो पॉरीफेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, इट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल. तो पेरीफेरा को मेटाजुआ में तो एनिमल में तो आता है ना, बट मेटाजुआ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पेराजुआ एंड यू मेटाजुआ. सो पेराजुआ में सिर्फ एक ग्रुप आता है पॉरीफेरा, एंड बाकी ऑल एनिमल्स विल कम इन टू यू मेटाजुआ, ट्रू एनिमल्स. ट्रू एनिमल्स के लिए क्या चाहिए आप देखोगे, यू रिक्वायर मिनिमम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. सो ऑल एनिमल्स आफ्टर पॉरीफेरा आर क्लासिफाइड एज यू मेटाजोन्स. ठीक है, नाउ पॉरीफेरा में यू हैव सेल्यूलर लेवल, मतलब इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सेल्स कैसे होते, सेल्स आर इन लूज एग्रीगेट्स, सिर्फ इकट्ठा हो गए, लूजली इकट्ठा हो जाते, बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज. सेल्स के नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, एक एक सेल इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकते, जी नहीं सकते. ओके, व्हाई? बिकॉज डिफरेंट सेल्स विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. फंक्शंस मतलब एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म का काम नहीं कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट दे हैव गॉट डिवीजन ऑफ लेबर. अलग अलग काम अलग अलग सेल्स करेंगे, सो ईच सेल इंडिविजुअली डिवाइड जी नहीं सकता है. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये सुनो, देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स, मतलब एक सेल को पता नहीं है कि दूसरा सेल क्या करता है. एंड वाई? बिकॉज ये डी टी मतलब ड्यू टू डी टी मतलब ड्यू टू, देर इज नो नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम. तो पॉरीफेरा में आप देखोगे कि न्यूरल सिस्टम भी नहीं होता है, तो देर आर नो नर्व्स टू कनेक्ट टू ईच अदर, है ना. मीन्स देर आर नो नर्व्स और नो सेंसरी सेल्स, तो सेल्स आर नॉट कनेक्टेड, दे विल नॉट नो वॉट इज वन सेल इज डूइंग, दूसरे को पता नहीं चलता है, बस इकट्ठा होके एक एनिमल बन गए. सो दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव लेवल, ये सिर्फ परिफेरा में मिलता है. इसमें सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लूज एग्रीगेट्स, डिफरेंट सेल्स विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, इंडिविजुअली सेल्स कैन नॉट सर्वाइव, देर इज डिविजन ऑफ लेबर, बट देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स बिकॉज देर इज नो न्यूरल सिस्टम, इसमें न्यूरल सिस्टम होता ही नहीं है. एंड ओनली वन एनिमल फाइलम, मतलब पॉरीफेरा ही आपको इसमें मिलेंगे. ओके, तो दैट इज अबाउट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एनी डाउट्स? Now we go to the next level of organization, that is the tissue level of organization. Okay, मतलब जब animals advance हुए तो उसमें cells के बदले अब tissues बनने लगे. तो tissues कैसे बनते हैं? When same type of cells इकट्ठा होते हैं, so same structure, same function and उनका origin भी similar, मतलब similar type of cells में से बनेंगे. तो ऐसे जब सेल इकट्ठा होते तो वी से के टिश्यू बनता है. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट की ट्रांजिशन इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. हमने ऊपर एक टॉपिक किया था, थ्री ट्रांजिशन इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, है ना, की ट्रांजिशन. वन वाज टिश्यू लेवल, दूसरा था ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एंड थर्ड वाज डेवलपमेंट ऑफ सीलम. उसमें से पहला वाला ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन एनिमल्स. ओके, इसमें क्या होता है, या पहले ये यू विल फाइंड इट ओनली इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. व्हाट हैपेंस इन दिस, द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज, मीन्स दे गेट टुगेदर एज टिश्यूज. विद इन द टिश्यूज, टिश्यू के अंदर द सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर. क्यों? बिकॉज यहाँ पे अब आपको नर्वस सिस्टम भी मिलेगा.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम द सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर, मतलब एक सेल को पता है दूसरा सेल क्या कर रहा है और मिलजुल के काम करते हैं। अब ये मिलजुल के काम करने का फायदा क्या है, टिश्यूज, जब टिश्यूज बनते हैं दे एम्पलीफाई द फंक्शन। एम्पलीफाई मतलब जो एक सेल थोड़ा काम करेगा लेकिन बहुत सारे सेल मिलके ज्यादा या बड़ा काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। सो एनिमल्स में टिश्यूज क्यों बनते हैं, फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ओके, नाउ जब साथ मिलके काम करना है तो उनमें कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम भी आपको मिलेगा इन दीज एनिमल्स। ओके, नाउ विच एनिमल्स विल हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगेन यू विल सी सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर्स। पहले हमने क्या देखा कि दो जर्म लेयर्स में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। यही एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। सो आपको क्वेश्चन आता है, नेम द एनिमल्स विच हैव विच आर डिप्लोब्लास्टिक एंड विच हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो योर आंसर इज सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ओके, दैट इज आपका क्वेश्चन बनेगा। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज विल कम टूगेदर टू मेक वन ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टमक है, स्टमक का मेन काम क्या है, डाइजेशन, लेकिन डाइजेशन के पहले उसको स्टोरेज भी करना पड़ता है, फिर डाइजेशन करने के लिए उसको एसिड भी सीक्रेट करना पड़ता है और कुछ एंजाइम्स भी सीक्रेट करने पड़ते हैं। नॉट ओनली दैट, आफ्टर डाइजेशन उसको धक्का मार के फूड को इंटेस्टाइन में भी पहुंचाना है, विच मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो तीन चार रोल करता है, एक करता है स्टोरेज का, दूसरा करता है मिक्सिंग का, तीसरा करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करने का, फोर्थ डाइजेशन बाय एंजाइम्स, एंड फिफ्थ ये सब होने के बाद वापस मसल एक्टिविटी से वो इंटेस्टाइन में भेजने का, है ना। अभी अलग अलग काम एक ही ऑर्गन के अंदर होते हैं, सो द सेम सेल्स और द सेम टिश्यूज कैन नॉट डू इट, सो डिफरेंट टिश्यूज विल कम टूगेदर एंड फॉर्म डू दिस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मसल टिश्यू है और वो करेगा मिक्सिंग का काम एंड पेरिस्टाल्सिस का काम, फिर उसमें एपिथीलियम है तो एपिथीलियम अंदर के लाइनिंग को प्रोटेक्ट भी करेगा, एंड एपिथीलियम में कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स बनेंगे और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम सीक्रेट करेंगे, सो एपिथीलियल टिश्यू दूसरा काम करेगा। ओके, तीसरा है, ये सबको पकड़ के रखने के लिए आपको कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, तो स्टमक के वॉल में कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा विच विल होल्ड ऑल द थिंग्स टूगेदर। नॉट ओनली दैट, कनेक्टिव टिश्यू से वो जगह मिलती है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए भी जगह चाहिए, वो एपिथीलियम के थ्रू नहीं जा सकते, मसल के थ्रू नहीं जा सकते, सो कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वॉल ऑफ एन ऑर्गन, क्यों, वो सपोर्ट भी करेगा ऑर्गन को और उसके थ्रू ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह भी पास होंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नर्व्स, हर एक ऑर्गन में नर्व्स होना चाहिए, मतलब द नर्वस टिश्यू होना चाहिए जो ये सब तीनों को कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा, है ना। सो ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ ऑल द फोर टिश्यूज, उसमें एपिथीलियम भी होगा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, मसल टिश्यू भी होगा एंड नर्वस टिश्यू भी होगा। सो व्हेन डिफरेंट टिश्यूज कम टूगेदर यू से दैट एन ऑर्गन इज फॉर्म्ड। जो एनिमल्स में ऑर्गन्स बनते हैं वी से दे हैव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कौन से एनिमल्स है, फ्रॉम प्लैटीहेल्मिंथस ऑनवर्ड्स, प्लैटीहेल्मिंथस के बाद ऑल इन एनिमल्स जो भी इवॉल्व हुए सब में ऑर्गन लेवल तो होता ही है। एंड द लास्ट एंड वी विल एंड दैट इज ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो जैसे मैंने बताया स्टमक अकेला काम नहीं कर सकता है, उसको लिवर में से एंजाइम चाहिए, पैनक्रियाज में से चाहिए, इंटेस्टाइन भी अपना दूसरा काम करता है, आखिर में सब कचरा निकालने को आपको रेक्टम और एनस भी चाहिए। तो डाइजेशन का पूरा काम सिर्फ डाइजेशन से नहीं होता है, साथ में पेरिस्टाल्सिस चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड चाहिए एंड वेस्ट निकालने के अपने रेक्टम और एनस भी चाहिए। सो डिफरेंट organs will come together and perform the different parts of the alimentary canal. So, ऐसे organs or organisms, ऐसे animals जिसमें advanced systems है, जैसे nervous system है पूरा circulatory system है, पूरा alimentary canal है,
ऐसे सिस्टम्स को भी से दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको निमेटोड ऑनवर्ड्स हर एक एनिमल में मिलेगा. ओके, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ठीक है, अब अपना एनी टाइम ये नो क्लास बंद हो जाएगा, सो आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑन द ग्रुप एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस आल्सो. तो नोट्स पढ़ के आपको आंसर्स लिखने हैं, ये मैं आपको शाम तक भेज दूंगा. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? दूसरा, अपना ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो जिसके पास टैब आ चुके हैं वो टैब्स में जाके ये क्लास वापस भी सुन सकते हो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो, या आप ग्रुप में क्वेश्चंस भेज सकते हो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी. ओके, तो सी यू, आई एम एंडिंग द लेक्चर नाउ, कल वापस कंटिन्यू करेंगे. नोट्स नहीं लिखना है, आपको आंसर्स लिखने हैं.